दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग, उनकी बीवी री शॉलजू। इस बात से हम सब वाकिफ हैं, नॉर्थ कोरिया एक सोशलिस्ट स्टेट है और वहां के कायदे कानून कितने अलग और कितने सख्त हैं। ये सोचिए कि अगर किम जोंग ने इतने सख्त रूल बनाए हैं तो उनकी बीवी को तो कितने सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 7 नियमों की जिनका पालन री सॉल को करना पड़ता है। नंबर 7, ये एक आम बात है कि शादी के बाद अक्सर लड़कियां अपना मिडिल और लास्ट नाम बदलकर अपने पति के नाम पर रख लेती हैं। लेकिन ये किम जोंग जू है, उन्होंने री सॉल यू का पूरा नाम ही बदल दिया, जिसके कारण आज कोई भी री सॉल यू की शादी से पहले वाली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। नंबर 6, प्रेगनेंसी के समय री सॉल यू का बाहर निकलना सख्त मना है। एक बार जब री सॉल यू 3-4 महीने के लिए कहीं दिखाई ना दी तो लोगों को लगा कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन जब बाद में पता चला कि प्रेगनेंसी की वजह से री सॉल यू घर में बंद थी और उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था। अब अगर कभी भी री सॉल यू बहुत समय के लिए बाहर दिखाई नहीं देती है तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं या तो उनके साथ कुछ गलत हो चुका है या फिर वे प्रेग्नेंट है। नंबर 5, री सॉल यू पब्लिक में बहुत कम दिखाई देती है, ज्यादा से ज्यादा समय वे घर में ही बिताती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो किम जोंग यू के पिता और दादा की डेथ के बाद दोनों को साथ देखा गया उनके लिए मौन करते हुए। यही दिन होते हैं जब वे किम जोंग जू के साथ या वैसे भी घर के बाहर दिखाई देती है। नंबर 4, इन सब नियमों में से एक ये भी है, चाहे जितने समय बाद री सॉल यू पब्लिक में दिखाई दे, वह हमेशा किम जोंग जू से साथ ही होगी। उनके बिना घर से निकलने की री सॉल यू को अनुमति नहीं है और जब भी बात मीडिया की आती है तो री सॉल यू को मीडिया से बात करना या कैमरे के फोकस में रहना सख्त मना है। उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि पब्लिक में हमेशा किम जोंग यू के पीछे ही रहे। नंबर 3, जैसा कि हम देखते हैं जब भी किसी लीडर की शादी होती है तो उस दिन शानदार फंक्शन रखाया जाता है, ना जाने कितने टॉम जहां किए जाते हैं, लेकिन इस शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि कोई नहीं जानता कि इनकी शादी कब और कहां हुई। नॉर्थ कोरिया में ये पहली बार नहीं हुआ। किम जोंग यू के दादाजी ने तो अपनी पहली बीवी के बारे में कभी किसी के सामने तक ना आने दिया। उनका जिक्र जब हुआ तब वह इस दुनिया से चल बसी थी, तो री सॉल यू इस मामले में तो सौभाग्यशाली निकली। नंबर 2, री सॉल यू इस बीतते समय के साथ एक फैशन आइकॉन बन चुकी हैं। हालांकि वह पब्लिक में बहुत कम दिखाई देती हैं, लेकिन जब भी वह दिखाई देती हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उनकी ड्रेसेस पुराने समय की क्वींस के फैशन से सेंस से कंपेयर किया जाता है। नंबर 1, हर कोई ये जानना चाहता है कि किम जोंग यू और री सॉल यू की शादी कैसे हुई। क्या वे पहले से ही एक दूसरे को जानते थे? कुछ लोगों का कहना है उन दोनों का पहले से ही अफेयर था जो उन्होंने सबसे छुपाए रखा, बिल्कुल अपनी वेडिंग फोटोग्राफ्स की तरह। दूसरी तरफ लोगों का मानना ये भी है, मरने से पहले किम जोंग जू के पिता ने री सॉल यू को किम जोंग जू के लिए पसंद किया था और अपने मरने से पहले उन दोनों की जल्द से जल्द शादी करा दी। क्या आप भी जानते हैं और ऐसे नियमों के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।